सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का 22वां दिन है और यहाँ हम पढ़ते हैं, जैसे ही वे रमल्ला गांव में पहुँचे, भक्त यहूदी यरूशलेम में पवित्र मंदिर की दूर से ही झलक देखते ही आनंद के मारे झूम उठे। उसके सोने के गुंबद सूर्य की रोशनी में दमक रहे थे। वे स्वतः ही भजन 137 गाने लगे कि यदि मैं तुझे याद नहीं करूं, यदि मैं यरूशलेम को अपना सर्वोत्तम आनंद नहीं मानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। यहूदियों में कुछ उन्मादी लोग थे जो दूसरे लोगों के पूजा स्थलों से नफरत करते थे। ऐसे ही जाति भेद की शिकार समारी स्त्री, उसने एक बार यीशु से सच्चे आराधना स्थल की ओर इशारा किया था। वहां यीशु ने घोषित किया था कि सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करते हैं। यौहन 4:23-24 में हम पढ़ते हैं। आइए हम अपने जीवन के लिए कुछ प्रकाश पाएं। संसार में विभिन्न धर्म और संप्रदाय हैं। दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति मेरा रवैया क्या है? मैं एक कैथोलिक हूं, ईश्वर के लोगों के सार्वभौमिक संघ का सदस्य। दूसरे कौन है? वे सब भी ईश्वर के बच्चे हैं। मेरा कर्तव्य क्या है? ईश्वर के बच्चों को यहां और अब प्यार करना है। कुछ प्रेस के लोगों ने जब मदर तेरेसा से लोगों के धर्म परिवर्तन के बारे में सवाल किया, उन्होंने उत्तर दिया, मेरा काम उनका धर्म परिवर्तन करना नहीं है, बल्कि सेवा करना है, और ऐसी सेवा करना ताकि हिंदू अच्छे हिंदू बन सके, मुसलमान अच्छे मुसलमान बन सके, मसीही अच्छे मसीही बन सके। पोप फ्रांसिस कहते हैं, ईश्वर सबको बचाएगा, न केवल मसीहों को, बल्कि यहाँ तक कि वो कहते हैं नास्तिकों को भी ईश्वर बचाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा है, ईश्वर सत्य और प्रेम है। हमें प्रेम और सच्चाई के जीवित मूर्तियां अर्थात आदर्श बनना है। मेरे जीवन का आदर्श वाक्य है, ईश्वर को महिमा, दूसरे लोगों को मेरी सेवा, और मुझे ईश्वर प्रदत्त मेरा कर्तव्य है। सबों को जय यीशु। धन्यवाद।